जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है, मैं गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण केता चैनल पर उसको शेयर कर रही हूँ। आप सभी सुनिए उन्हीं की जबानी के उनके लाइफ को गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया, उनकी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार हुए। तो आप सब इस सत्संग को जरूर पूरा सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से गुरु जी की मिलती है ब्लेसिंग, कल्याण करते हैं गुरु जी। और आपका भी कोई सत्संग है तो अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल पर। और ये शुक्राना सत्संग करने से और सुनने से हमारी जिंदगी में होते हैं बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस। तो आप जरूर सुनिएगा गुरु जी की बेटी का ये सत्संग। तो शुरू करते हैं, और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी जरूर कीजिएगा। आगे सुनते हैं आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा हो रही थी ये सत्संग शेयर करने की, तो मैं आप सबसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई शब्दों में गलती हो जाए तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि किस तरह मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था, और गुरु जी ने मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला, बचाया, मुझे नया जीवन दिया। दूसरे सत्संग में भी मैंने बताया था कि मेरे अंकल जी को किस तरह से उन्होंने प्राणदान दिया, जो कि उनके साथ बहुत कुछ हो सकता था, पर गुरु जी ने हम पर बड़ी दया, बड़ी कृपा, बड़ी मेहर की। आज मेरा तीसरा सत्संग है, इसमें भी मैं आपको कुछ बता रही हूँ। पर सत्संग संगत जी, हर बार गुरु जी की इतनी कृपा होती है कि ना चाहते हुए भी मेरे वीडियोस लंबे लंबे हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर बार कि कम शब्दों में कहूँ, पर पता नहीं क्यों फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम शब्दों में आप सबको अपनी बात पहुँचाऊँ। ये सत्संग भी ब्लैक मैजिक की जर्नी के टाइम का है। जो भी मुझ पे किया जा रहा था उसके तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो रहे थे मुझ पे, बट एक और इफ़ेक्ट था कि मेरे गर्दन के पीछे, जहाँ हम पहनते हैं चेन, वहाँ गर्दन के पीछे बालों के नीचे एक बड़ा सा सिस्ट हो गया था, जो बहुत छोटा सा था, मतलब बिल्कुल सरसों के दाने की तरह था। और अचानक से वो 3 दिन में अच्छा खासा बड़ा हो गया था, मतलब एक उठा हुआ अलग सा दिखता था वो सिस्ट, और बहुत दर्द करता था मुझे। जब सिस्ट और बड़ा होने लगा और मुझे बहुत पेन होने लगा, तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, दिखाना है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। जैसे कि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना, तो ये मैंने उनकी वीडियो में ही सुना था गुरु जी के। तो मैं अंकल जी के साथ डॉक्टर के पास गई, तो उस लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बोला भाई ये तो सिस्ट है, ये तो ऑपरेशन से ही ठीक होगा। तो मेरे अंकल ने बोला कि मैम देख लीजिए, अगर दवाइयों से ठीक हो जाए तो डॉक्टर ने बोला कि नई दवाई से तो 50-50% है ठीक होने की, क्योंकि अगर कुछ भी हो रह गया तो वो वापस से बढ़ सकता है। फिर उन्होंने बोला कि इसका तो लास्ट ये कि आपको इसको ऑपरेट करके इसको हटाना पड़ेगा। तो फिर भी हमने उनसे दवाइयाँ ले ली, हमने कहा हम दवाई लेके देखते हैं, नहीं हुआ आराम या ठीक नहीं हुआ तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो संगत जी, फिर मैं वो मेडिसिन लेने लगी, और मेडिसिन था कम से कम 1 हफ्ते की मेडिसिन थी वो। बट मेडिसिन लेने के 2-3 दिन बाद ही मेरे अंकल को एक और डॉक्टर के बारे में पता चला, जो कि उनके कम से कम 15 साल पहले उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर हैं जो बहुत पहले उनके हाथों में कुछ एलर्जी हो गई थी, तो उन्होंने उसे ठीक किया था, और वो डॉक्टर अचानक से उनके संपर्क में आए हैं, तो चलो एक बार उनको दिखा लेते हैं। तो फिर हम उस डॉक्टर के पास गए।
तो जब हम उन डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरा सिस्ट देखा और उन्होंने बोला कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। मैं और मेरे हस्बैंड सरप्राइज हो गए। हमने मन में सोचा, मैंने एक दूसरे को देखा हमने, और हम मन में सोचा कि अरे डॉक्टर ने तो बोला था कि इसका तो लास्ट ऑप्शन है कि ऑपरेट करके इसको ठीक करना पड़ेगा, और अचानक से ऐसा। तो मेरे मन से तो पहले निकला शुक्राना गुरु जी। फिर डॉक्टर ने आके अपनी बातें कंटिन्यू की। उन्होंने बोला मैं एक बैंडेज, छोटा सा एक बैंडेड है, उसको लगाता हूँ आपकी गर्दन पे। स्क्वायर का छोटा सा पीस था वो, गर्दन के पीछे उन्होंने उसे लगा दिया। और उन्होंने बोला 3-4 दिन में सिस्ट अपने आप पक कर बाहर आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद आप मेरे पास लेके आना, तो जो भी प्रोसेस होगा उसको मैं निकालूंगा ठीक करके, बट ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, उन्होंने बोला। तो मैंने गुरु जी को अनंतम शुक्राना करते हुए हम घर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि पहले वाले मेडिसिन आप बंद कर दो, ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ इसको ठीक करने के लिए, आप इसको कंटिन्यू करो। तो संगत जी हम घर आ गए। फिर मैंने ये सेकेंड वाले डॉक्टर जो है इनकी मेडिसिन चालू की, बट बिलीव करिए आप कि मेडिसिन्स ख़त्म होने के पहले ही, उन्होंने सिर्फ 3 या 4 दिन की ही मेडिसिन दी थी, ज़्यादा कुछ दिया नहीं था और बैंडेज लगाया था, तो वो मेडिसिन ख़त्म होने के पहले ही दूसरे दिन 2 दिन में ही वो सिस्ट एकदम दब गया। और उन्होंने जो स्क्वायर सी थोड़ी छोटी सी पट्टी मेरे गर्दन पे लगाई थी वो अपने आप ही धीरे धीरे करके वो खुल के निकल गई। और जब वो निकली तो मैंने देखा अरे ना कुछ पेन हुआ, ना कुछ दर्द हुआ, ना कुछ उसमें से पस निकला, कुछ भी नहीं हुआ। बस वो पट्टी अपने आप धीरे धीरे करके उतर गई अपने आप, और उसके बाद में वो सिस्ट भी हल्का सा दब गया था। फिर मैंने अपने अंकल को बताया कि देखिए दो दो दिन भी नहीं हुआ है, मेडिसिन की कंप्लीट भी नहीं हुई है, और देखिए कैसे मतलब गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, जहाँ ऑपरेशन होने वाला था वो ऑपरेशन भी होने नहीं दिया, और जहाँ उन्होंने कहा था कि भाई इसको पट्टी लगाने के बाद ले आना और मैं इसको जो भी होगा क्लियर कर दूंगा, साफ कर दूंगा, जो भी पस निकलेगा या जो भी जो कुछ भी होगा उसके अंदर, बट देखिए ना कुछ मुझे वहाँ जाना पड़ा, ना कुछ मुझे उसके बाद दर्द हुआ, और ना ही कुछ आगे मेरे को मेडिसिन खाना पड़ा। वो मेडिसिन भी पड़ी की पड़ी रह गई। गुरु जी ने मात्र 2 दिन में ही मेरी सिस्ट को पूरा फ्लैट कर दिया, पूरी तरह से ठीक कर दिया, ना मुझे कुछ पेन हुआ ना कुछ हुआ। ये तो मेरे लिए गुरु जी का चमत्कार ही है कि जहाँ ऑपरेशन होने वाला था गुरु जी ने 2 दिन में ही उसे पूरी मेरे शरीर से गायब कर दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, अपनी दया अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। मेरे अंकल जी भी देखकर बड़े हैरान हो गए थे, वो सोच में पड़ गए कि ये कैसा चमत्कार हो गया। बट फिर उनको तो पता चल ही गया कि गुरु जी के अलावा और कोई ये कर ही नहीं सकता। उन्होंने भी शुक्राना किया गुरु जी का। गुरु जी ने शायद बहुत बड़ी मुसीबत थी जो मेरे सर से टाल दी, बहुत कम में करके, और उसमें भी ऐसे टाला कि मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे वहाँ इतना बड़ा सिस्ट था गर्दन के पीछे, बिल्कुल फ्लैट हो गया। अब तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे कुछ हुआ भी था, ना कोई दाग, ना धब्बा, ना दर्द, कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझे और मेरे अंकल जी को भी। उन्होंने बहुत बार हमें लाइफ ब्लेस किया है, मैं शब्दों में तो बता नहीं सकती। गुरु जी की आज्ञा होगी तो आगे मैं और बताऊंगी आप सबको। मेरा सत्संग हमेशा लंबा हो जाता है, इसलिए अभी के लिए मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।